और बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है और इसी को लेकर बीजेपी और आप के खिलाफ आज से कांग्रेस का यह अभियान शुरू होगा, जहां पर दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, रोड शो किए जाएंगे। तो अपने शासनकाल में हासिल उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने उपलब्धियां यहां पर रही हैं, कितने योजनाओं को लाया गया, दिल्ली के लोगों के लिए कितनी तमाम तरह की सहूलियतें यहां पर थी। तो आज से ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो यहां पर कांग्रेस करने जा रही है और उसी को लेकर एक अभियान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ, जहां पर दोनों ही पार्टियों को जमकर कोसा जाएगा। तो वहीं अपने कार्यकाल के, अपने शासनकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो कई रोड शो का कार्यक्रम है, कई रैलियों के कार्यक्रम है। तो पिछले अगर चुनावों की बात करें, दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात करें, तो यहां पर क्लीन स्वीप यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस हो गई थी, एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी थी। जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस वक्त पता चली गई थी और ऐसे में अब अपनी जमीन को तलाशते हुए ये अभियान, ये आगाज आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। बता दें कि कहा जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द फरवरी से पहले पहले कहा जा रहा है कि चुनाव कर लिए जाएंगे। तो जो भी उपलब्धियां हैं कांग्रेस की उनको बतलाया जाएगा और ये देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे दिल्ली के रण में उतरते हुए यहां पर नजर आते हैं, क्योंकि कई रैलियां, कई रोड शो जिनका जिक्र यहां पर इस अभियान के तहत किया गया है कि जहां एक तरफ बीजेपी को घेरा जाएगा, आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा जिसकी फिलहाल दिल्ली में सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं उनको भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखा जाए तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का रहने वाला है, क्योंकि तीनों पार्टियां आपस में कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश लगातार कर रही हैं कि इस बार जीत उसी को ही मिले।